आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मटन रोगन जोश की रेसिपी, जो इतनी सिंपल और इतनी इजी है। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप दावत कर रहे होते हो ईद पे, तो आप कोरमा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो, लेकिन ये कुछ हटके है और इजी भी है। इतने इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप भी हैरान हो जाओगे इतने ईजी तरीके से मटन रोगन जोश। वाओ, तो हम तो इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मैंने मटन रोगन जोश की रेसिपी कैसे बनाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बकरा स्पेशल में बन रहा है मटन रोगन जोश, मज़े का टेस्टी सा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मटन लिया है, दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है, एक कप दही ली है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, ऑयल लिए हमने 1/2 कप, और साबुत गर्म मसाले में लिए हमने 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायचियाँ और 4 अदद सब्जी इलायची और 4 अदद लौंग। तो ये चीज़ें चाहिए हमें रोगन जोश बनाने के लिए। एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे और इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याजों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम ये साबुत गर्म मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसमें मटन डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, मटन को भून लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। इसको भूनते साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाई टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 ग्लास पानी के, 1, 2, ये 3 और ये 4। मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब इसे कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। एक घंटा हो चुका है, तो ये देखिए मटन की हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। मटन की यखनी तैयार हो चुकी है, तो ये देखें, और मटन भी गल चुका है। अब हम दही में सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, सौंफ का पाउडर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम गोश्त में डाल देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करें और अब इसे फिर से हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बीस मिनट हो चुकी हैं, तो मटन रोगन जोश रेडी है। तैयार है हमारा मटन रोगन जोश। तो इतना मजे का ये बना है, तो आप इसे ईद पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मटन रोगन जोश की रेसिपी कैसी लगी।
तो अगर आपको ये खुशबूदार मटन रोगन जोश की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।